مولاي صل وسلم دائما बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर जो हर वक्त आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं, इनकी जानिब से मुसलसिल 20 सालों से अवामी खिदमत बेलौस का अवामी खिदमत जारी है और माह रमज़ान में इनकी जानिब से जहां एक जानिब राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई, वहीं दूसरी जानिब आवाम के लिए इफ्तार पार्टी का अहतमाम अमल में लाया गया। इसी तरह दशहरे के त्यौहार के मौके पर भी आवाम में इनकी जानिब से खुसूसी पर्सनली किट्स वगैरह की तकसीम की जाती है। आज हम यहाँ पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से जो इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया है इसमें मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं आवाम से कि उनके तासरात क्या है। मैं NRI बाबा मैनाटी टाउन प्रेसिडेंट बोधन TRS पार्टी। आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया है आलीशान पैमाने पर जीनत फंक्शन हॉल बोधन में, और खुसूसी दिलचस्पी हमारे हरदिल अजीज़ MLA बोधन जनाब शकील आमिर साहब आलीशान पैमाने पर इस तकरीब का अहतमाम किए गए हैं। और इसी अभी वक्त करीब होते जा रहा है, इफ्तार का मजमा बढ़ते जा रहा है। अब वक्त करीब में हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर साल इस तरह अहतमाम करते हैं। आज से 2-4 दिन पहले उनके घर पर बहुत बड़े पैमाने पर भी इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था और कल ही खुसूसी पैकेज जो गुरबा में तकसीम की गई है, यानी तकरीबन जो मुस्तहिक लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे और तरक्की दे, और हम तमाम आवाम से भी इल्तिजा करते हैं कि उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में बोधन MLA शकील आमिर साहब पूरे बोधन कॉन्स्टेंसी में पूरे विलेजेस में राशन के किट जो है सबको बांटे पूरे विलेजेस में, और अल्हम्दुलिल्लाह बोधन टाउन में भी पूरे घर घर को जिसको ज़रूरत रहती है उनको घर घर को जाके उनके जो काम करने वाले पार्टी के वर्कर है घर घर को जाके पहुंच के उन तक पहुँचाए किट जो है घर घर को पहुँची। हर साल 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत चल रही, 20 साल से शकील साहब की खिदमत चल रही अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जो है प्रकाश पेड़ जीनत फंक्शन हॉल में बहुत बड़े अंदाज में बड़े पार्टी चल रही, इफ्तार और ताम की पार्टी चल रही तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बोधन MLA शकील आमिर के साहब जानिब के ताम और इफ्तार की बड़ी पार्टी चल रही अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे गुजारिश ये है कि भाई के लिए दुआ करिए, बिलखसूस तेलंगाना हुकूमत के लिए, तरक्की के लिए, KCR साहब के लिए दुआ करिए, बोधन MLA के साथ दुआ करिए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे यही गुजारिश है कि दुआ करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज रक्कास पेट के अंदर जीनत फंक्शन हॉल में इफ्तार और ताम का नज़्म रखा गया है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से है, हमारे और आपके CM के चंद्रशेखर राव साहब जिनकी जानिब से रखा गया है, और हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब जो कॉन्स्टेंसी के MLA है, इन्होंने हर जगह जो है अपने राशन किट की तकसीम बोधन के अंदर अमल में लाई है। वो हर साल हर बार जो है गरीबों का जो है ख्याल करते हैं, जिस तरह से उनके दस्तर पर जिस तरह से ग़िज़ा होती है वो चाहते हैं कि तमाम लोगों के दस्तर पर उसी तरह से ग़िज़ा रहे, ना वो गरीब ना अमीर, ना किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्लाह जो दरार पैदा करना चाहते हैं अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाइए, सही प्यार उन्हें पैदा फरमाइए अल्लाह, हमारे बोधन के शहर में अल्लाह प्यार मोहब्बत पैदा फरमाइए, सलामती पैदा फरमाइए, शांति पैदा फरमाइए, हमारे जितने भाई बिरादर पैदा फरमाइए, इत्तेफाक पैदा फरमाइए। शैतान हमारे दरमियान इख्तलाफ चाहता है अल्लाह, ये इबलीस हमारे दरमियान इख्तलाफ चाहता है अल्लाह। हम सब आदम की औलाद है, हम सब मिट्टी से बने हुए हैं, हम सब एक माँ और एक बाप की औलाद है अल्लाह, हमें इसी तरह भाई भाई के साथ जैसा रहने वाला बनाइए।
ऐ अल्लाह हमारे दिल हम सुख के साथ पैदा फरमाइए, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह इन्हें सेहत नसीब फरमाइए, तंदुरुस्ती नसीब फरमाइए, प्यार मोहब्बत के पैदा करने वाला बनाइए। ऐ अल्लाह हमारे जितने यहाँ पर ऑफिसर से जितनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत नसीब फरमाइए। वाले का तवक्कल तो वाला रस्ते का अफ्तर तो फतकबल मिलनी बिस्मिल्लाह वाला बरकत। शकील आमिर साहब की खिदमत बोधन टाउन के हिसाब से 20 साल से खिदमत दे रहे हैं सभी माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लेके, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है उनका, सभी तबके के लोगों को बहुत अच्छी खिदमत करते हैं उन्होंने रमज़ान के एतबार से, और दिगर दो भी गैर मुस्लिम के भी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी अच्छा टाउन रहता है उनका। बस रमज़ान के हद तक तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बस तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ये हर साल की तरह इस साल भी जीनत फंक्शन पैलेस में इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया है। ज़ेर सदारत जनाब शकील आमिर साहब एमएलए बोधन की जानिब से है, और हमारे एमएलए साहब भी 20-22 साल से उन्होंने खुद अपने खर्च से आवाम को दसरा क्रिसमस या रमज़ान होने दो, हर गरीबों को अपने खुद खर्च से कपड़ों की और ईद के सामान के देते रहते हैं, और बहुत अच्छे खिदमत है एमएलए साहब की। कभी भी इसी तरह उन्होंने हर गरीब को, और कोरोना के कोविड के टाइम पर भी ऑक्सीजन की मदद, और पूरा लोगों को खाने की दो टाइम शहर में और इफ्तार में, और जितने भी लॉकडाउन था वो पूरे बोधन को अपने तरफ से खाने की सप्लाई, किसी को भी परेशान ना होने दिए, उन्हों और मदद करते रहे। इसी तरह हमारे जनाब शकील आमिर साहब, उनके खिदमत बोधन में बहुत है और करते रह रहे हैं। अल्लाह उनको अच्छी सेहत और कारोबार, और उनको अच्छी तरह से कामयाब दें, और हम सबकी यही दुआ है। आज
बोधन शहर के अंदर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो हर साल इफ्तार और ये काम का जो है इंतजाम किया जाता है, उसी जमन में आज बोधन शहर के अंदर रईस पेट में जीनत फंक्शन हॉल के अंदर हमारे हरदिल अजीज़ MLA आली जनाब शेख मोहम्मद शकील अहमद साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पर इफ्तार और खाने का इंतजाम काम का इंतजाम रखा गया है। मैं तमाम अवामना से जो है ये बताना चाहता हूँ कि हमारे MLA साहब मोहम्मद शकील अहमद साहब लगभग पिछले 20-22 साल से जो है समाजी खिदमत में जुड़े हुए 2001-2002 से आज तक हर साल जो है हमारे MLA साहब माए सियाम में रमजान में होने दो या दशहरा में होने दो या दीपावली में होने दो चाहे वो किसी भी मज़हब का त्यौहार होने दो, हर मज़हब के त्यौहारों के अंदर जो है मतलब समाजी खिदमत से जुड़े हुए हमारे MLA साहब हमेशा लगे रहते हैं। आज सारे तेलंगाना के अंदर शकील भाई के जैसा जो है मतलब इंसान शायद ही जो है मतलब कोई देखे हैं या कोई देखेंगे, और आज हमारे बोधन के अवाम जो है मतलब बिल्कुल जो है हमारे MLA साहब से बहुत खुश है और हमारी दिल से जो है मतलब दिल की गहराइयों से दिल की अमीर गहराइयों से जो है हमारे MLA साहब के वास्ते दुआएँ बोधन के अवाम की जानिब से हमारे MLA साहब की फैमिली और MLA साहब के अहले खाना अहले ख़ानदान के लिए तमाम लोगों के लिए मतलब दुआ करें। खुदा तेलंगाना की जानिब से जो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया है KCR साहब की तरफ से हमारे MLA साहब की तरफ से कैमरे में देखो बोल रहे हम सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी में आके और सबको इन्वाइट करे। 20-22 साल से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं कि दीपावली में होंदे दशहरे में होंदे रमज़ान में होंदे 20 साल से इनकी खिदमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह इनकी उम्र इकबाल में तरक्की दे इनको कामयाबी भी नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बोधन में हमारे बोधन MLA शकील आमिर साहब 20 साल से जो है बोधन के आवाम को और विलेजेस के आवाम के लिए बहुत बड़ी एक खिदमत करते आ रहे हैं उन्होंने 20-22 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ईद को उन्होंने जो है किट तकसीम करते बहुत अच्छे अंदाज में करते और बहुत खिदमत में रहे उन्होंने। लॉकडाउन में भी होंगे गरीबों के साथ दिए उन्होंने, लॉकडाउन में इतना गरीबों को साथ दिए। दूसरे भी बड़े बड़े लीडर आए मगर कोई आके पूछे नहीं किसी को भी गरीबों को, गरीब के बीच में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 20-22 साल से काम करते आ रहे MLA साहब। ना थोड़ा कट कर दो सही नहीं बोल रहा मैं थोड़ा। अस्सलामु अलैकुम। बोधन में शकील आमिर साहब की खिदमत 20 साल से करते आ रहे साहब, मैं भाई जब छोटा था जब से देखते आ रहा हूँ 20 साल से कंटिन्यू साहब विलेजेस में हो बोधन टाउन में हो हर एक ईद को हिंदू मुस्लिम किस्मत को सबको साथ में लेते चल हर एक ईद में सबको तकसीम करते किटा उन्हों। आज भी बोधन में जो इफ्तार पार्टी है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और शकील आमिर के साहब की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से इफ्तार पार्टी है और पूरे गरीबों को जो है राशन वगैरह किट तकसीम करते हर एक घर में ज़बरदस्त तरीके से ईद मनाते उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। और ख़ासतौर ये है कि लॉकडाउन में भी उन्होंने गरीबों को बहुत साथ दिए पूरे कहाँ पर भी होता नहीं बांटे मगर इन्होंने टाइम टू टाइम खाना वगैरह हर चीज़ बांटे राशन वगैरह बहुत बांटे। बोधन के MLA साहब की खिदमत कोई भी नहीं भूल सकते और आने उनको अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे और आने वाले दिनों में उनको कामयाबी दे। हम सब आवाम उनके साथ है आने वाले दिनों में भी उनके साथ रहेंगे अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बरकत हो आपके और हम शक्ल में उनकी मदद की जाती है। जैसा कि आप हर साल देखते आ रहे हैं कि अगर गरीबों के कोई हमदर्द बनते हैं तो बोधन के अंदर आपके और हमारे रुकन असम्बली शकील आमिर साहब है जो हमेशा गरीबों की आवाज़ बनते हैं और जब कभी भी ये रमज़ान के मौके पर तोहफे के तौर पर वो हर लोगों को गिफ्ट देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इफ्तार का नमज रखा गया है और ताम का नमज भी रखा गया है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हर जगह इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे रुकन असम्बली साहब जो शकील आमिर साहब है गरीबों के हमदर्द है और सबके साथ रहते हैं।
कार्यक्रम पेद प्रजा तनु एमएलए लेनपड़ी एमएलए उन्ना लेकुना प्रती भेदभाव वर्ग भेदभाव लेकिन प्रती वर्गा रंजान यानी क्रिस्मस यानी मल्ल दसरा यानी प्रती पंडक अंदर सेवा कार्यक्रम को प्रती पेद कुटुंबम सुख संतोषाल कल सतोष चूड़ने उदेश प्रति कुटुंबा की एदो विधा आदकू सहायम चू पंडगलन सतोष का जरूकने विधा तन सहाय सहकार अमेल्ले गारी प्रती पेद कुटुंब वालू आशीर्वदिस्तर वारी की भगवंत मरी अल्ला राबो रोज मंजी चेयर वो कोटे एमएलए गार उदेश मेमे विधा सुख सतोषाल पंडको अदे विधा पेद प्रजलू प्रती मुस्लिम यानी हिंदू यानी मंजी अदे विधा पंडल जरपाल उद्देश्य तो प्रती संवरमू सुमार 25 इयर्स वारी तो वार फैमिल अंत इदे पन सेवाकार सोशल वर्क वर्क निमग्नमें उ वारी की देवड़े एलू देवड़ तो प्रजलू एलू सहाय सहकार अंदेल बोधन मंडल तरह को बोधन मंडल में एमएलए गार आध्वर्यो एमएलए गार्ची रंजा तोफान बोधन मंडल में प्रति ग्राम ग्रमान प्रति पेद कुटा अंदर जरिए वारी कल गिफ्ट आदि तूफा इच्छी वाल कल सतोषा चूड़ा जरिए वाले सतोष पड़ा दाटो सुमार 19-20 रकल वस्तु इवे इला चाल गोप विषय इप्डर ये व्यक्ति ये एमएलए इलांट कार्यक्रम कार्यक्रम एमएलए गार गत 20-20 संवस जरूरत इदे का कोविड विषय को गत 3 संवसाल पगल रात्रि लेकिन पेद प्रजल कोसमु प्रजल मध्य उ रोजू कष्ट वारी मंजी चुड़ चूसकू वारी की रात्रि इफ्तार सहर मरी इतर कार्यक्रम पाल पंचू अंदर ओक मन पड़े एमएलए गार देवड़े एलू मंजा उयुर आरोग्यों उचाल मरी राजकीय जीवन में वार उन्नत पदों चुवान शकील आमिर साहब रक्कासपेट में जो मुनाकिद करे और हर साल करते हैं 20-22 साल से ये खिदमत गरीब मजबूर लाचार परेशान जो भी मुसलमान है गरीब सबको करते हुए साहब हमारे आज तक चलते आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी चलेगा ना सिर्फ एमएलए नहीं रहते हुए भी करे और एमएलए रहते हुए भी कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको उम्र दे अच्छी सेहत दे अल्लाह और खूब तरक्की दे और जो है सो ना सिर्फ मुसलमानों के और दूसरे दसरा दीपावली जो भी त्यौहार आए सबको साहब लेके चलना साहब के पास भेदभाव कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये हमारे साहब का कहना है जनाब शकील साहब जनाब शकील आमिर साहब को अल्लाह सेहत दे मैं दुआ गो हूँ मैं बार बार दुआ गो हूँ साहब के वास्ते अल्लाह अच्छी सेहत दे उनको दे खुदा हाफिज़।
రంజాన్ మాసం సందర్భంగా బోధన్ పట్టణంలో ప్రభుత్వం తరపున ఏదైతే మైనారిటీ సోదరులకి ఇఫ్తార్ విందు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇస్తున్నారు అది ఈ రోజు బోధన్ పట్టణంలో జీనత్ ఫంక్షన్ హాల్లో మన షకీల్ అన్న గారి సమక్షంలో ఈ రోజు జరుపుకోవడం జరిగింది ఎంతో ఆనందోత్సాహాలతో రంజాన్ మాసంలో ఈ రోజు ప్రభుత్వం బోధన్ పట్టణంలో జీనత్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ రోజు సోదరులకి బోధన్ పట్టణంలో జీనత్ ఫంక్షన్ హాల్లో సీఎం కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు రంజాన్ సందర్భంగా ఇఫ్తార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీకి హాజరు కావడం జరిగింది. మేము హిందువులుగా ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీకి కుల మతాలకు అతీతంగా సీఎం కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారు ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏదైతే ఏర్పాటు చేశారో మేమందరం కూడా హిందూ ముస్లింలు అందరూ కలిసి ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. సీఎం కేసీఆర్ గారికి ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారికి బోధనలో ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారు మన కౌన్సిలర్లు అందరికీ ఈ విందుకు అటెండ్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు. సెక్యులర్ అనే పదానికి మన శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ షకీల్ అమీర్ గారు నిదర్శనం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ కుల మతాలకు అతీతంగా మన భారత రాజ్యాంగం అనుసరించి అన్ని మతాల వారికి సమాన ప్రాతినిధ్యత ఇస్తూ రంజాన్ దసరా మరియు క్రిస్మస్ ఈ మూడు పండుగలని మూడు మతాల పండుగలని తన పండుగ అనుకోను గత 22 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే బోధన్ నియోజకవర్గంలో పదవిలో ఉన్నా పదవిలో లేకున్నా ప్రజల మధ్యలో ఉండి ఏదైతే పేద ప్రజలకు తమ వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నాడో అది నా భూతోన భవిష్యత్తు అని మన తెలంగాణలో కాదు యావత్ భారతదేశంలో కూడా ఏ ఎమ్మెల్యే కానీ ఏ ప్రజాప్రతినిధి కానీ కంటిన్యూస్గా 22 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. కాబట్టి బోధన్ ప్రజల తరఫున, బోధన్ పట్టణ ప్రజల తరఫున, బోధన్ నియోజక ప్రజల తరఫున వారికి నేను హ్యాట్సాప్ తెలియజేస్తూ సదా ప్రజలు మీకు రుణపడి ఉంటారని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై షకీల్ అన్న, జై కేసీఆర్. తారీఖ్ మే బోధన్కే ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఏ తారీఖీ ఆద్మీ హే ఏ కహా జాతా హే క్యూంకి 22 సాల్సే జో గరీబోం కే లియే ఉన్న జో అంజామ్ దే రహే హే కపడే బాటనా హోనే దో యా అప్నే తరఫ్ సే క్యాష్ హోనే దో యా అప్నే తరఫ్ సే మెటీరియల్ హోనే దో జో కర్ రహే పూరా హిందుస్తాన్ మే నా కోయి ఎమ్మెల్యే నా కోయి ఎంపీ నా కోయి కరోడపతి భీ హోంగే మగర్ కోయి ఆద్మీ నహీ కర్ సకామ్ యే హమారే బోధన్ కే షకీల్ అమీర్ సాబ్ కరే హే ఏ దిల్దార్ ఎమ్మెల్యే సాబ్ హే బోల్ కే మే కహతా హూ ఔర్ ఇన్కో అల్లా తాలా సే మే గుజారిష్ కర్తా హూ కి ఉన్కో ఉమర్ బడి దే ఔర్ ఐసే హీ గరీబోం కి ఆవామ్ కి ఖిద్మత్ కరే